More than 2 days have passed since the Ghazipur border was closed due to the farmers' protest, but the farmers have not arrived yet. Yet the traffic is being controlled. The borders are still closed. नीचे की दोनों लेने अभी भी पूरी तरह सीमेंटेड हैं. ऊपर ट्रैफिक को अभी भी रेगुलेट किया जा रहा है. बट द इम्पैक्ट इज नाउ विजिबल एट मेनी प्लेसेस. आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले गाजीपुर बॉर्डर पे भी चीजें देखी. वहां पे भी लोगों का कहना था कि द बिजनेस इज गेट टेकिंग अ हिट, इट इज टेकिंग अ स्नैक, इट इज हिटिंग अ स्नैक. नाउ वी आर एट द वेस्ट विनोद नगर पेट्रोल स्टेशन. यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोज ट्रैवल करना होता है नोएडा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पेट्रोल की सर्च में अंदर की तरफ आते हैं और उन्हें पता करना होता है कि यहाँ पेट्रोल है. दिस पेट्रोल पंप, एज यू कैन सी, अभी आपको पीछे की तरफ हमारे आप देखेंगे तो डेजर्टेड दिख रहा होगा. नॉर्मली यहाँ पे आप किसी भी समय आएंगे तो आपको करीब से करीब 10 या 11 मिनट वेट करना होता है पेट्रोल भराने के लिए. लेकिन आज सिचुएशन रिलेटिवली बहुत काम है. रीजन, एज आई सेड अगेन, द गाजीपुर प्रोटेस्ट, द फार्मर्स प्रोटेस्ट. गाजीपुर में भले ही फार्मर्स नहीं आए बट द बिजनेस आर टेकिंग अ हिट. सर, आप गाजीपुर बॉर्डर यूज करते होंगे, क्या दिक्कत आपको वहां से ट्रैवल करने में हो रही है? सर, वहाँ जाम लग जाता काफी. सुबह 6 बजे की ड्यूटी होती, 7 बजे तक पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं. जाम कितनी कितनी देर का लगता है? जाम चलता रहता है, एकदम रुकता नहीं है. एक दिन रोका था बस. अच्छा, मतलब चलता रहता है. अब नहीं लगता. अनुमानित तो उसमें कितनी देर लगती होगी? मतलब अगर मान के चलना, नॉर्मली मान हमने आधा घंटा है यहाँ पहुंचने में, तो अभी जो चल रहा है, जो नीचे बॉर्डर पूरे बंद है, अभी उसके कारण कितना समय लग रहा है यहाँ पे पहुँचने में? यहाँ पहुँचने में पहले मैं 15-20 मिनट में आता था, अब आधा घंटा लगता है. सर, क्या दिक्कतें हो रही हैं स्पेसिफिकली बॉर्डर बंद होने की वजह से? बॉर्डर बंद होने के लिए इधर गाड़ियाँ बहुत कम चल रहा है और पंचर वंचर गाड़ी भी नहीं आ रहा है, काम बहुत कम गया है, दिक्कत हो रहा है. गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसे बार बार सरकार करता रहता है, कभी है कभी हो. इसके लिए रोड जाम हो गए तो गाड़ी इधर से जाता ही नहीं है, काम कम हो गया है हमारा. पहले कितने, मतलब एक अगर वो लिया जाए अनुमान, पहले कितने आते थे और अभी 2-3 दिन से कितना हो रखा है? अभी तो पहले तो 100 में से मान लो कि 20% काम हो गया हमारा, मतलब सिर्फ 80% कम गया है, गिरा है. हाँ, पंप देख लो पूरा खाली है. यहाँ पे हम लोग अभी 2 बजे से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हमारे पास. हमारे साथ यहाँ पे मैनेजर हैं इस पूरे पेट्रोल पंप के. सर, आपका नाम? मेरा सर अंकुर यादव. अंकुर यादव, अंकुर जी एक बात बताइए कि पिछले 3 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर बंद है, लोग आ नहीं रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा निकल भी नहीं रहे हैं, क्या सप्लाईज में भी कुछ फर्क देखने को मिला है जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें फिलहाल? सर, सप्लाई में तो एक्चुअल में हमारा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि हमारी सप्लाई क्या है, दिल्ली के अंदर से ही आती है, दिल्ली से ही ये अपना बिजवासन है, वहां से आती है. बाकी हाँ, वैसे कस्टमर का फुटफॉल जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है पहले के कंपेयर ना. उसका एक रीजन यही हो सकता है कि हमारे जो मोस्टली बॉर्डर सील्स हैं, तो बाहर से जो ट्रक्स वगैरह या जो भी व्हीकल वगैरह वो नहीं आ पा रहे हैं. जैसा कि हमारा गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है पास में ही, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है रस होता था वो नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि कस्टमर्स वो पीछे से पीछे ही मूव करके कहीं ना कहीं से निकल रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ पा रहा, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है. पंप पे यहाँ के लोगों का कहना है कि नॉर्मली भीड़ होती है, ये मंडावली वेस्ट नगर का पेट्रोल स्टेशन है, नॉर्मली भीड़ होती है, लेकिन जब से गाजीपुर बॉर्डर बंद हुआ है दिक्कतें यहाँ पे लोगों को महसूस हो रही हैं. लोगों का कहना है कि पहले से पेट्रोल की कमाई में भी कमी हो रही है, यहाँ पे बिजनेस भी ठप पड़ रहा है. सो यस, इवेंचुअली दिक्कत है. गाजीपुर बॉर्डर के क्लोजर की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स नॉर्मल पेट्रोल, जो भी दिक्कत है. हाउ हाउएवर सप्लाईज में कोई दिक्कत नहीं है. उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में ही सप्लाई स्टेशन है, सप्लाई स्टेशन से आ जाता है, पर लेकिन बाहर से जो गाड़ियां आती थी पहले, उसका फुटफॉल थोड़ा कम हुआ है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहां पे आसपास पेट्रोल पंप्स पे देखने को मिल रहा है. कैमरामैन फुरकान के साथ अंश पांडे, वन इंडिया. सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट.